दोस्तों, यदि आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ईशान ने खेली 93 रनों की घातक पारी तो रोहित शर्मा ने कर दिया उन्हें वर्ल्ड कप में शामिल करने का ऐलान। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मस्ट विन मुकाबले में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से विश्व क्रिकेट में तहलका मचाने वाले ईशान किशन की तारीफों के पुल बांधते हुए रोहित ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर रोहित और ईशान के चाहने वाले की खुशियां 10 गुना बढ़ जाएंगी। तो क्या कुछ कहा है रोहित ने वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? इसका जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अपने घरेलू मैदान पर ईशान किशन बल्ला लेकर उतरे तब पूरा स्टेडियम उनके नाम से गूंज उठा। हर तरफ सिर्फ किशन किशन सुनाई दे रहा था, लेकिन फंसे हुए मैच में भारतीय पारी को संभालने के दबाव में ईशान की शुरुआत बेहद धीमी रही, जहां अफ्रीकी गेंदबाजों ने उन्हें शुरुआत में ही पवेलियन भेजने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। शुरुआत में समय लेने के बाद ईशान ने अफ्रीकी गेंदबाजों से सिर्फ छक्कों में डील की और एक नहीं, दो नहीं बल्कि 7 छक्के लगाकर क्रिकेट की गलियारों में कोहराम मचा दिया। हालांकि अपना पहला इंटरनेशनल शतक लगाने से महज 7 रनों से चूक गए, लेकिन उनकी 93 रनों की पारी की बदौलत भारतीय टीम ने न सिर्फ इस मैच को अपने नाम कर लिया बल्कि ईशान किशन ने 130 करोड़ भारतवासियों का दिल जीत लिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में ईशान किशन की जमकर तारीफ की जा रही है। उसी कड़ी में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने भी ईशान किशन को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर उन्हें चाहने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा ने ईशान की ताबड़तोड़ पारी देखकर कहा है कि ईशान को इतने लंबे समय बाद फॉर्म में देखना बेहद सुखद और अनुभव था। उसने अफ्रीका जैसे खतरनाक पेस अटैक के सामने जितनी मैच्योरिटी और आक्रामकता के बल्लेबाजों से की है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन ये तो सिर्फ ईशान की शानदार फॉर्म की शुरुआत है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब ईशान ने जो अपने फॉर्म पकड़ी है उसे रोक पाना किसी भी गेंदबाज के लिए संभव नहीं होने वाला है। दोस्तों, केवल ईशान ही नहीं, ईशान किशन को वर्ल्ड कप में शामिल किए जाने पर भी रोहित शर्मा ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि ईशान किशन जैसे बल्लेबाज का भारतीय टीम में होना हमेशा विश्व की सबसे मजबूत टीम बनाता है। हम खुशकिस्मत होंगे यदि ईशान हमारे साथ विश्व कप खेलता है, लेकिन अभी उसका विश्व कप टीम में शामिल होना संभव नहीं है। पर हम यह संभव असंभव भी नहीं है, यदि हमारी टीम में कोई भी खिलाड़ी चोटिल होता है तो सबसे पहले मैं ईशान किशन को टीम में शामिल करूंगा, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी हमारी टीम के लिए वरदान साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ईशान किशन को ऋषभ पंत के स्थान पर विश्व कप में शामिल किया जा सकता है या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।